शिवपुरी जिले के नरवर नगर में एक दुकान में अचानक से आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते दुकान में रखा लाखों का सामान स्वाहा हो गया। पीड़ित दुकानदार ने राहत राशि मुहैया कराए जाने को लेकर आगजनी की शिकायत नगरीय प्रशासन से की है। जानकारी के अनुसार नरवर नगर के पुराने बस स्टैंड के पास सुखलाल बाथम की पेंटर की दुकान है। उक्त दुकान में अज्ञात कारणों के चलते बीते रात आग भड़क गई। सुखलाल बाथम ने बताया कि वह अपनी दुकान को बंद कर घर चला गया था। इसी दौरान रात करीबन 10 बजे उनके पास फोन पर दुकान में आग लगने की सूचना मिली। जब तक वह दुकान पर पहुंचा और मौजूद लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। सुखलाल जाटव ने बताया कि वह पेंटिंग का काम करते हैं, साथ ही वाहनों की नंबर प्लेट आदि बनाने का भी काम करते थे, जिसके लिए उनकी दुकान में कंप्यूटर सहित कई मशीनें, रेडियम की सामग्री आदि कई प्रकार के सामान रखे हुए थे, जो आगजनी की घटना से जलकर खाक हो गए। आगजनी की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट से जोड़कर देखी जा रही है। दुकानदार सुखलाल बाथम ने राहत राशि मुहैया कराए जाने की मांग को लेकर एक शिकायती पत्र नगरीय प्रशासन को भी सौंपा है। किससे आग लगी है पता चला? शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। तो लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग 2.5 लाख के, 2.5 लाख के समथिंग है। इतने सुंदर सुंदर गहने हैं लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए।